आरके मार्बल ग्रुप और पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ भोपोकावाड़ा अनुपम नगर निवासी पीरदान सिंह अजमेर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांग रहे थे। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। इस विषय में पीरदान ने क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं। जी सर, धरना देने आए थे, क्या किस तरीके से परेशानी आ रही है? ऐसा सर, कल मैं ज्ञापन लेके कलेक्टर एस पी के पास गया था, लेकिन उर्स की छुट्टी होने की वजह से शाम को सिविल लाइन थाने के एसआई और एक हेड कांस्टेबल आए, बोला कि सुबह 11 बजे आपको एसपी और एडीएम से मिलना पड़ेगा। अभी एडीएम साहब सिटी पर नहीं दे तो वहाँ से मैं रिसीव ले आया, एसपी साहब सीट पर नहीं दे तो एडी से एसपी से मैंने रिसीव लिया। लेकिन एडी से एसपी साहब ने मुझे ये कहा है कि आपने जो कलेक्टर और एडीएम को ज्ञापन दिया है इनकी हमारे पास में आज या कल के अंदर ही आ जाएगी। उन्होंने रिसीव करके बाका जब मुझे दिया, लिखित में दिया, जबकि एडी से एसपी कभी ऐसी रिसीव मुझे पहली बार ही मिली है। आश्वासन अच्छा दिया, बोला कुछ आप इंतजार कर लो, जब 10 साल इंतजार किया है तो कुछ हमारे करने से इंतजार कर लो, उर्स भी चल रहा है और यदि फिर नहीं होगा तो हम आपको बाकायदा इजाज़त देंगे। तब देखता हूँ, दो दिन तो वैसे इंतजार करूँगा, फिर ये कहेंगे कि होली आ गई, छुट्टियाँ आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि 10-12 तारीख और इंतजार करके फिर एडिशनल एसपी साहब ने खुद नहीं कहा है, एसएचओ रवीश कुमार सिंह सीआई साहब के सामने बोला मैं 2-3 दिन में फ़ोन कर दूँगा, यदि फ़ोन नहीं आता है तो आप 12 तारीख से मुझे पर्सनली आकर मिल जाना, मैं आपका सहयोग करूंगा, कार्रवाई करूंगा। धरने की परमिशन नहीं देते तो फिर क्या करेंगे? देखो, मुझे यहाँ परमिशन नहीं मिली तो मैंने जैसे पहले बोल रखा यहाँ से जयपुर जाऊंगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास पर, वहाँ से नहीं देने दिया तो फिर सीधा जाऊंगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग, और उसके बाद नहीं होगा तो मैंने कह रखा है राष्ट्रपति भवन के सामने जाके धरना दूंगा।